बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ में, और आज बात कर लेंगे हम डॉलर और रियाल के रेट के मुतल्लिक, यानी कि आज का डॉलर का और रियाल का रेट क्या है पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरबिया के रियाल के मुतल्लिक ही मेन बात होती है हमारी। बार इसी वीडियो में मैं आपको डॉलर के मुतल्लिक भी अपडेट कर देता हूँ। मैं आपको पता है कि कुछ दिनों से अभी डॉलर और रियाल नीचे ही जा रहे हैं, यानी कि रुपये की कदर में बेहतरी आ रही है रोज पर रोज। उसकी एक ही रीज़न है जी, वो आपको पता है जी, जो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का स्टेट बैंक में डॉलर रखे हैं जी। ठीक है जी, इसकी वीडियो मैं आपके साथ अलहदा से शेयर कर चुका हूँ। और मोहम्मद बिन सलमान ने वो डॉलर तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक में रख दिए, उससे भाई डॉलर नीचे आ रखा है, रियाल भी नीचे आ रखा है। लेकिन हम जो यहाँ पर मुकीम है, जैसा कि मैं सऊदी अरबिया में हूँ, आप भाई सऊदी अरबिया में हैं, भाई अभी रियाल नीचे आ रहा है तो हमारा तो खसारा हो रहा है, ये तो कन्फर्म बात है। ज़ाहरी सी बात है जी, रियाल नीचे जाएगा तो जो पैसे भेजेंगे वो कम बनेगा इसका। अच्छा, रियाल मैं यहाँ पर आपको रेट भी शेयर कर देता हूँ। इस चीज़ का हाल भाई ये तो है कि डॉलर और रियाल तो नीचे आ रखे हैं मोहम्मद बिन सलमान के डॉलर रखने के सबब, लेकिन महंगाई की शरह कम हो फिर इसका फ़ायदा होगा पाकिस्तानी अवाम को। बहरहाल आपके साथ यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, अगर डॉलर के रेट की बात करें तो 172.26 रुपये था, अभी 171.65 रुपये हो चुका है जी आज का रेट। ये 175 रुपये प्लस हो चुका था, उससे नीचे आ रखा है। ठीक है जी, अभी अगर रियाल के रेट की बात करें तो रियाल आज का रेट है जी 45.39, यानी कि 45.39 रुपये 1000 रियाल आप भेजेंगे तो आपका 45,390 रुपये गालबन बनेंगे। अच्छा, इसमें 5-10 रुपये जायद ये काम होते रहते हैं, ये जाहरी सी बात है, नेट का रेट होता है, ये हर 10-15 मिनट बाद, एक घंटे बाद अप होता है या कम होता है, थोड़ा बहुत होता है फ़र्क, रुपए का फ़र्क नहीं होता है तो वो तो भाई फिर 24 घंटे के बाद ही अपडेट होती है हमारा जो भी सूरत हो। तो हमारा ये आज का रेट था जी डॉलर का और रियाल का। मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत अच्छा किया है जी, डॉलर रखे हैं पाकिस्तान के स्टेट बैंक में, लेकिन अभी महंगाई कम हो ना, जैसा कि रियाल और डॉलर की भाई कदर कम हो रही है, ऐसे पाकिस्तान में महंगाई की कदर भी कम हो फिर इस चीज़ का मजा है।